नगर परिषद शाहपुर में लाख रुपए की लागत से नाला बनाया जा रहा है, जिसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि उक्त नाले के निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि घटिया प्रकार का निर्माण से शासन को लाखों की चंपत लग रही है। नगर परिषद का ये मामला पहला नहीं है। कई बार घटिया प्रकार का निर्माण कार्य की शिकायतें होती आ रही है। नगर परिषद के इंजीनियर के इस मामले में लापरवाही नजर आ रही है। जिम्मेदार व्यक्ति अपने जिम्मेदारी से नहीं समझ रहे हैं। जनता ने आरोप लगाया है कि नगर परिषद में जितने भी काम होते हैं उसमें भ्रष्टाचार की बू आती है। क्या समस्या है? समस्या ये है कि यहाँ पर इंजीनियर का भी कोई ठिकाना नहीं है और समय सीमा का यहाँ पर इन्होंने बोर्ड भी लगाया नहीं है कि कब काम खत्म होगा और कब स्टार्ट हुआ है। बिना इंजीनियर के उपस्थिति में निर्माण चालू हो रहा है। बस पुरलिक बाबू जी आ जाते हैं और वो काम चालू करवा देते हैं। कितना सीमेंट डालना है, क्या डालना है, वो उनको उनका मालूम। इंजीनियर यहाँ आता नहीं दिखता जी। क्या नाम है आपका? सिराज शाह। कौन से वार्ड में निर्माण हो रहा है? वार्ड नंबर 14 में ये नाली का ड्रेनेज का काम हो रहा है। यहाँ पे तो नाली में भारी भ्रष्टाचार हो रहा है। यहाँ ना कोई इसकी लागत का बोर्ड लगा हुआ है, ना समय सीमा यहाँ लिखी गई है। उसका एस्टिमेट कुछ भी बताया नहीं गया है। और आपने दिखाऊंगा कि ये नाली जो है इसका सीमेंट और गिट्टी हाथ से निकल रही है, ये टिकने वाला है नहीं। यहाँ पे बहुत भ्रष्टाचार ठेकेदार द्वारा करा गया है और इसकी मिली भगत नगर परिषद। क्या इंजीनियर मौके पे आता है? इंजीनियर बिल्कुल मौके पे नहीं आता। तो इसमें जो दोषी है क्या उनके खिलाफ आप कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? बिल्कुल कार्रवाई की मांग करते हैं। जो दोषी है यहाँ पे, कोई भी दोषी हो, इंजीनियर हो, ठेकेदार हो या नगर परिषद हो। आप पार्षद होने के नाते क्या नगर निगम में इनका बिल जो है निकलेगा तो उसको रोकने का काम करेंगे? काम करेंगे और इसका विरोध करेंगे। आपका नाम और पता? किशोर देशमुख, पार्षद वार्ड नंबर 3।